नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम बिहार बिहान में। छोटी छोटी शिलाएं मिलकर एक मजबूत दीवार का निर्माण करती हैं, जो आसानी से नहीं टूट पाता। ठीक वैसे ही छोटे छोटे कर्म करने से निश्चित रूप से आप अपने मुकाम तक पहुंचते हैं, जिससे आपकी मन की शक्ति बढ़ती है। और जब आपके मन की शक्ति बढ़ती है, तब बड़े से बड़ा मुसीबत भी आपके सामने अपना श्वास छोड़ देता है। तो कोशिश करिए कि निरंतर प्रयत्नशील रहें, कर्म करते रहें, जिससे आपकी मन की शक्ति बढ़ती रहे और आपके समक्ष आए हुई सारी विपदाएं बहुत छोटी आपको प्रतीत हों। इसी विचार के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक सुविचार आपके साथ साझा करना चाहूंगे कार्यक्रम की शुरुआत में। और ये विचार है हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर EPJ अब्दुल कलाम के। चलिए उससे रूबरू होते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में श्रीमती विभा लाल जी का, विभा जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। आप सबको कहते हैं कि कलाकार बहुत सौम्य, बहुत शांत, बहुत स्थिर होते हैं, और हमारी आज की मेहमान बिल्कुल वैसी ही हैं। विभा जी, यूं तो आप जिस इलाके से हैं, जिस जिले से हैं, वहाँ घर घर में मधुबनी पेंटिंग अनिवार्य है, आपको हर जगह मिलेगा, चाहे वो पूजा स्थल पे हो या कोबर के रूप में हो या घर में जब हम घर के द्वार को खूबसूरत बनाने के लिए करते हैं। आपने मधुबनी पेंटिंग किस उम्र से शुरू किया था आपने करना? हम जब थोड़े बड़े हुए तो माँ लोग को देखते थे, पूजा पाठ में करती थी, भगवान जी का पूजा हुआ या शादी विवाह किसी का हुआ तो वो अर्पण बनाती थी। फिर एकादशी उद्यापन होता था, देव उठान एकादशी, तो उसमें माँ लोग अर्पण बनाती थी। अभी जैसे दुर्गा पूजा चल रहा है तो उसमें माँ लोग बनवाती थी, दुर्गा जी का अष्टमी के दिन द्वार पर बनाया जाता है, चांद सूर्य या दुर्गा माँ लिखाती है, तो वो सब देखते थे। पहले मैं बनाती थी अपने शादी से पहले, यही सब पूजा पाठ में ये सब। जब मेरा शादी हुआ 2006 में, तब मैं यहाँ आई तो यहाँ पे मेरे ससुराल में सब पेंटिंग, मेरी सास यशोदा देवी वो तो पूरा ख्याति कलाकार थी, और मेरे पति वो भी, दोनों को देखे कि दोनों एकदम पेंटिंग में एकदम पूरा समर्पित हैं, तो माँ से ही सीखे। फिर माँ के साथ ही बाहर उज्जैन भोपाल 2006 से ही जाना शुरू कर दिए, और फिर माँ तो ज़्यादा दिन नहीं रह सकी क्योंकि उनको थोड़ा बीमारी के कारण ज़्यादा दिन नहीं, मतलब नहीं तो अब ही रहती तो और बहुत कुछ सीखने को मिलता, और पति के सहयोग से मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। और माँ का सपना था कि मतलब पेंटिंग को हमेशा ले कर आगे बढ़ाए, और माँ के साथ मेरे पति हमेशा बाहर जाना आना, तो माँ का सपना, माँ का आशीर्वाद के कारण आज मुझे नेशनल अवार्ड के लिए नाम चयन किया गया है, और पति के सहयोग से मतलब ये सब पूरा हो पाया है। कहते हैं ना कि जब आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ किसी के सपने को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत मजबूत ताकत अंदर से मिलती है जो आपको लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। जब आप पहली बार, चूंकि आप शादी से पहले अपनी माता जी के साथ अर्पण बनाया करती थी, तो आपके अंदर एक कलाकार था, लेकिन जब शादी के बाद पहली बार अपनी माता जी के साथ जब आप बाहर गईं, मधुबनी पेंटिंग की जब प्रदर्शनी लगी, जब बाहर गई, जब बाहर की दुनिया आपने देखी कि क्या है बाहर की दुनिया, तब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि देखे कि कला का कितना बड़ा दुनिया है, बाहर निकलने के बाद ही पता चलता है, घर में तो नहीं पता चलता कि इतने कला हैं। अभी जैसे ज्ञान भवन में लगा हुआ है एग्जीबिशन, वहाँ जाके देखिए कि कितना मतलब एक मतलब कितना बड़ा कलाकार का दुनिया है, और बहुत सम्मान भी मिलता है केंद्र सरकार से, बिहार सरकार से, तो बहुत अच्छा लगता है। और बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब सम्मान प्राप्त होता है, और खासकर जब सरकार साथ हो तो और अच्छा करने का और मन करता है। 2010 में आपको स्टेट अवार्ड मिला था। हम जानना चाहेंगे क्या कलाकृति आपने बनाई थी मधुबनी पेंटिंग की, और कितना पसंद आया लोगों को?
वो सीता जयमाला था, वो शादी का सीन बनाए थे, क्योंकि मिथिला पेंटिंग धार्मिक चीज़ों पे बनता है, मतलब बनता तो सब कुछ पे है, लेकिन अब बनाने लगे हैं सब लोग, लेकिन वो वहीं से आया है, मिथिलांचल की क्षेत्र की है, और मिथिला जी राजा जनक जी के यहाँ से, मतलब उन सीता जी के कोबर से, तो ज़्यादा देवी देवता, और हम वही बनाते ज़्यादा, राम सी कृष्ण, अभी नेशनल अवार्ड के लिए भी चयन हुआ तो उसमें भी कृष्ण लीला ही बने थे। कृष्ण लीला, बिल्कुल। हम जो भी मधुबनी पेंटिंग्स देखते हैं, कहीं भी हम देखें, क्योंकि अब जो है मधुबनी पेंटिंग जो है वो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उसकी मांग बहुत बढ़ गई है। तो हर जगह हम एक पारंपरिक जो हमारे हमारा जो कल्चर है, पारंपरिक जो हमारा रही है, संस्कृति रही है, विवाह की संस्कृति, बारात का चित्रण, और मछली, और जैसे इस तरीके के शेषनाग इस तरीके से हम बनाते हैं लगातार, आप भी यही सब बनाती हैं, लेकिन क्या आपके मन में कभी ख्याल आया कि आपको अलग अलग चीज़ें बनानी हैं, क्योंकि आपको बाजार के हिसाब से भी ध्यान रखना है, युवा की पसंद का भी ध्यान रखना है। हाँ, वो सब जैसे ऑफिस में अगर मांग होता है कोई ऑफिस में कि एक थीम पे बनाना है, तो उस पे भी बनाते हैं, लेकिन धार्मिक चीज़ में क्या होता है ना, ये मधुबनी पेंटिंग में चटक कलर का यूज करते हैं हम, तो थोड़ा राधा कृष्ण सीता राम ये सब बनाने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका सिलेक्शन हुआ है बिहार से, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, और मधुबनी पेंटिंग को आप रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारे लिए और भी गर्व की बात है। क्या चुनौतियाँ आपको देखने को मिली वहाँ पे, क्या कंपटीशन था वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे बिहार से, और बिहार में मधुबनी पेंटिंग के बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, उन सबको पछाड़ते हुए आप वहाँ तक कैसे पहुँची? बिल्कुल, वहाँ पे तो बहुत काफ़ी कंपटीशन टफ था, और यहाँ तक पहुँचे सबका आशीर्वाद, और वही माँ का सपना था, वही भक्त, वही कृपा से। बिल्कुल, कितनी सरलता होती है कलाकार के अंदर, माँ का सपना था, सबका आशीर्वाद था, लेकिन आपकी मेहनत भी उसमें बहुत थी। मधुबनी पेंटिंग में बहुत महीन काम होता है और बहुत ध्यान से करना होता है, क्योंकि हम सिर्फ लकीरें खींच कर ही पूरी पेंटिंग बनाते हैं। इसमें रंगों का उपयोग भी बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से हम कौन सा रंग कहाँ डालें जो पेंटिंग हमारी उभर कर आएगी। रंगों को कैसे बनाती हैं, क्योंकि पहले फूल से, पत्तियों से, काला रंग कोयले से निकल कर आता था, हरा रंग है पत्तियों से निकल कर, हल्दी से हम पीले रंग का निर्माण करते थे, अभी कैसे रंगों का निर्माण होता है, क्या तरीके हैं रंग बनाने के? अभी भी फूल पत्ती से बनाते हैं, क्योंकि लेकिन बाजार में बहुत अच्छे, मतलब बहुत तरह के कलर आ गए हैं, तो उसे बनाने में अच्छा, मतलब आसान हो गया है, लेकिन फिर भी हम लोग बनाते हैं, घर में भी कलर बनाते हैं। कैसे, अगर फूल से रंग बनाना है तो हम अगर फूलों को पीसते फूल को हैं, उनके रस को निकालते हैं, तो वो हाँ, रंग कितनी देर तक रहेगा? वो उसमें गोंद मिलाया जाता है, उसको खौला के गोंद मिला के ताकि वो टिके, एक पूरी प्रक्रिया है हाँ, इसके पीछे, हाँ, और ये भी देखना होगा कि अगर हम गोंद डालकर उसको बना रहे हैं तो कितना गाढ़ा हो, कितना पतला हाँ, हो, उन वो सब सब थोड़ा चीजों का देखना ध्यान पड़ता रखना है। हाँ, पड़ता तो होगा। खोला के उसको उतना गाढ़ा करना पड़ता है, तब जाके फिर वो पता चल जाता करते करते, और कलर को जो है सो, और हम लोग अगर उसको फूल को, मतलब बहुत दिन तक तो नहीं रख सकते, तो उसको सुखा के और फिर उसको पानी डाल के खौला के, तो उस फिर क्योंकि तुरंत तोड़ के लाते हैं वो तो अलग हो गया कलर, और उसको बाद तक भी रखना है, तो क्योंकि हर मौसम में हर फूल नहीं मिलता, तो उसके लिए वो फूल जैसे सिंघरहार का फूल हुआ तो अभी ही मिलता है उसका डंटी, तो माँ लोग को देखते थे उसको सुखा देती थी, वैसे ही करते हैं कि सुखा के डंटी का उसको ऑरेंज कलर बनाते थे, तो बहुत मेहनत लगती है हाँ एक उसमें कलर मिलता का है, निर्माण लेकिन करना। उस कलर का अलग ही पहचान है, उस कलर से बनाइए तो बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग। बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि मधुबनी पेंटिंग में जितने लोगों को पद्मश्री मिला है, वो भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी, विदेश भी जाकर के वहाँ के लोगों को मधुबनी पेंटिंग सिखाई है, और जापान में तो बजाबते आपको एक म्यूजियम की स्थापना की गई है, जहाँ दूर दूर से लोग आकर के वहाँ मधुबनी पेंटिंग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये कहाँ से आया है। ये तो बिहार में तो 7 पद्मश्री है मैम बिल्कुल, मधुबनी हाँ मधुबनी पेंटिंग के। पेंटिंग में हाँ,
मेरे पति मेरे नानी सास है, वो सबसे पहली कलाकार थी जगदम्बा देवी। जगदम्बा देवी, हाँ, उनको 1970 में नेशनल अवार्ड मिला था, 75 में सबसे पहली पद्मश्री उन्हीं को मिला था। उन्हीं के परिवार से, उनसे माँ सीखी, माँ से हम लोग सीख रहे हैं। मेरा पूरा परिवार, दो ननद है, भगनी, सब सब करती है। मेरे इनके भाई मतलब भाई भाभी से बेंगलोर में है, लेकिन वहाँ रह के यही पेंटिंग करते हैं। जहाँ भी है अपनी परंपरा को स्थापित करने की कोशिश कर, अपनी परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। और जब मधुबनी पेंटिंग की बात आती है तो जगदम्बा देवी, बउआ देवी, गोदावरी जी, सबका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है, क्योंकि इन लोगों ने मधुबनी पेंटिंग को एक पहचान दिलाई है। पहले दीवार पे, कहा जाता है कि भीतियों से निकल करके मधुबनी पेंटिंग ने सात समंदर का सफर तय किया है। अलग अलग जगह जाकर के आप प्रदर्शनी लगाती हैं। बिहार में तो हम सब जानते हैं कि मधुबनी पेंटिंग क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, क्योंकि हर मधुबनी पेंटिंग एक कहानी कहती है। जब बिहार से बाहर अलग अलग जगह जाकर के आप अपना स्टॉल लगाते हैं, तब लोगों का क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या कहते हैं लोग इसको देख करके, क्या जानने की जिज्ञासा होती है उनके अंदर? बहुत वो लोग तो, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग एक ऐसा पेंटिंग है कि दूर से भी देखे तो लगेगा पास आके देखे कुछ है वहाँ पे बना। कला का तो वही होता पहचान कि कुछ ऐसा बना हो कि लोग दूर से भी आके देखे, तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है आके जानने का, मतलब तो बहुत, और बहुत खरीदते भी हैं बहुत शौक से और सीखते भी हैं। हम अभी स्कूल में भी जाते हैं, DPS स्कूल है, संत माइकल स्कूल है, तो वहाँ पे भी बच्चे लोग बहुत अच्छे से एकदम लगन के साथ बनाते हैं। और बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारी आने बच्चों को सिखाना मुझे अच्छा भी लगता है, क्योंकि उसके जो क्वेश्चन होते हैं उसे वो पूछते हैं और बनाते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसे सवाल पूछते हैं बच्चे आपसे? मतलब हाँ, वही कि पेंटिंग क्या है, कैसे बनता है, क्या कलर करें, और जहाँ बोलिए कलर करने के लिए वहाँ बच्चे लोग, तो बच्चों को सिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, बच्चों को ऐसे भी, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। लोग तो कहते हैं कि पेशेंस, बच्चा टेस्ट लेते, लेकिन हम ये मानते हैं कि पेशेंस ही कलाकार को बनाते हैं, क्योंकि पेशेंस ना हो तो फिर कलाकार नहीं। क्या बढ़िया बात आपने कही है कि अगर आपके अंदर पेशेंस है यानी धैर्य है तो आप एक बहुत अच्छे कलाकार हैं। बिल्कुल, और धैर्य की बहुत जरूरत मधुबनी पेंटिंग में भी होती है, क्योंकि महीन काम है, बारीक बारीक कुचियों से आप रेखाएं खींचते जाते हैं और पूरा पेंटिंग उभर कर सामने आता है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं तो, चूंकि बिहार में आप लगाती हैं प्रदर्शनी, हर जगह लगाती हैं, सरकार भी बहुत मदद कर रही है कलाकारों की, ताकि जो लोक कलाएं हैं वो स्थापित की जा सके और इसे अपने राज्य से बाहर के जो लोग हैं वो भी इसको बहुत अच्छे से जान सके। मधुबनी जिले की बात करें तो वहाँ हर घर में आपको महिलाएं मधुबनी पेंटिंग करती हुई नजर आएंगी। तो जब आप मधुबनी जाती हैं, इतना ख्याति आपको मिल चुका है, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो आपके आसपास के लोग क्या कहते हैं आपसे? बहुत मानते हैं, जाते हैं तो बहुत सम्मान देती हैं, बहुत बहुत खुश है। अभी नेशनल अवार्ड के लिए चयन हुआ तो बहुत गांव में बहुत लोग खुश हैं सब। चलिए, ये तो बहुत अच्छा लगता है कि जब गांव के लोग खुश, अपने अपने जब लोग खुश होते हैं तो हम लोगों की जो खुशी होती है वो दुगनी हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन बहुत समय भी लगता है मधुबनी पेंटिंग बनाने में। घर और काम दोनों के बीच तालमेल बिठाना एक महिला के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर किसी भी एक तरफ ज़्यादा ध्यान जाने से दूसरी तरफ लगता है कि थोड़ा सा हम अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं। आप कैसे सब चीज़ मैनेज करती है? वो लगाव हो ना पेंटिंग से तो आपको थकावट नहीं पता चलेगा, और ये अगर पेंटिंग करने के लिए बैठ जाए तो फिर आपको उठने का मन नहीं करेगा, तो सब हो जाता है मैम। जब करने बैठ जाए तो मुझे लगता है कि ये शिद्दत कलाकारों के पास ही होती है, कि जब वो कुछ करने बैठ जाते हैं या जो आपको बहुत पसंद आता है, जब आप कुछ करने बैठ जाते हैं तो आप भूल जाते हैं कि घड़ी की जो सुइयां हैं वो कहाँ थी जब आप बैठे थे और कहाँ पहुँच गए जब आप उठ रहे होते हैं। समय का पता नहीं चलता है। और खुद को शांत रखने के लिए, खुद को सौ में रखने के लिए कला का बहुत ही, आपके अंदर एक कोई कला हो ये बहुत ज़रूरी होती है। वहाँ पे मैम हम लोग सिखा रहे थे समर कैंप में, तो बच्चा लोग इतना
टाइम भी हो गया फिर भी बैठा रहता था कि नहीं बनाए, क्योंकि उठने का उन लोग का भी मन नहीं करता, मैं तो कोई भी जब बनाने लगे तो फिर मन करता और बनाए और बनाए और बनाए और बनाए। पहले था कि दीवारों पे बनते थे, फिर कागज़ पे बनने लगे, अलग अलग कैनवास पे बनने लगे, लेकिन अब मधुबनी पेंटिंग साड़ी कपड़ों दुपट्टों पर तो हमेशा से बनता था, लेकिन अब मधुबनी पेंटिंग अलग अलग चीज़ों पे हमें देखने को मिल रहा है। हम टी कोस्टर पे देखते हैं, हम ट्रे में देख रहे हैं, हम फोटो फ्रेम्स में मधुबनी पेंटिंग देख रहे हैं, हम फोन के कवर में देख रहे हैं, कैमरे के कवर में देख रहे हैं, कुशन कवर में देख रहे हैं, ऐसे अनगिनत चीज़ें हैं जहाँ मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत ही खूबसूरती से हमारे घर की खूबसूरती बढ़ा रही है। तो आप क्या सिर्फ कैनवास पे बनाती हैं या बाकी चीज़ों पर भी अपनी कला उकेरती हैं? बाकी चीज़ों पे, टी कोस्टर ट्रे अभी हुआ था सांस्कृतिक क्षेत्र के तरफ से एक कार्यशाला हुआ था, उसमें वैसे ही वैसे चीज़ पे पर्स बनाए और वही टी कोस्टर सब बना यूज, हाँ। जो यूज किया जाए, क्योंकि पेंटिंग सब तो खरीद नहीं सकते हैं, वो छोटा छोटा चीज सब खरीदते हैं, सबके हाथ में आता मतलब पहुंच तक जाता है वो, तो इसलिए वो हर चीज पे बनता है, कान का राखी बनता है, फिर सब सब चीज पे। बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी बनाई हुई पेंटिंग, आप किसी के घर गई हैं और आपकी बनाई हुई पेंटिंग दीवार पे रखी है, दीवार पे टंगी है, कैसा महसूस करती है? और जब आप बताती हैं कि ये पेंटिंग मैंने बनाई है, तब वो क्या कहते हैं? हाँ नहीं, वो खुद ही बताते हैं कि देखिए आपकी बनाई हुई पेंटिंग को हम कितने अच्छे से लगाएं घर में, और कितने खुश, कल ही गए थे हम DPS के प्रिंसिपल सर के यहाँ, वहाँ पर भी वो लगाएं और दिखाएं, पूरे बेडरूम तक दिखाएं कि देखिए हम आपके कला को कितने अच्छे से रखें, तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कला को कोई इतना सम्मान देते हैं। कलाकार को सिर्फ और सिर्फ सम्मान चाहिए, लेकिन अगर हम बात करें इसमें जीविकोपार्जन की, तो ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आप जब पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें बहुत खर्च आता है, क्योंकि इस जो मधुबनी पेंटिंग जिस कागज़ पे बनती है वो बहुत अलग होती है। अगर आप लकड़ी के ऊपर बना रहे हैं तो पहले उसको चिकना करके उसके ऊपर कोट चढ़ाना होता है, वार्निश करना होता है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत खर्च आते हैं। क्या आपको सही जो है रिटर्न मिल पाता है आपको जब आप अपनी पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाते हैं तो? हाँ, मिल जाता। किस तरीके से लोग इसे देखते हैं जब आप बताती हैं कि इस पेंटिंग का दाम इतना है, इस चीज़ का दाम इतना है, तो क्या होता है लोगों का कहना उस पर? नहीं, सबका प्रतिक्रिया अच्छा, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं इसमें मेहनत कितना लगता है, तो अच्छा ही कहते हैं, वो वैसे ही लेते हैं जैसे बताते हैं वैसे। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है कि कला का सम्मान हो रहा है लोगों के नज़र में, कलाकार की मेहनत का सम्मान हो रहा है, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। नेशनल अवार्ड के लिए आपका चयन हो गया है, आपसे ये जानना चाहेंगे आगे और क्या आप करना चाहती हैं इस फील्ड में, मधुबनी पेंटिंग के फील्ड में, क्योंकि आप इतना नाम कमा रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं, अपने आसपास के जो महिलाएं हैं उन्हें सिखा रही हैं, आगे और आप क्या करने की सोच रही हैं? आगे तो और अवार्ड मिलने के बाद तो और जिम्मेवारी, आगे भी यही करेंगे और आगे क्या, पूरी जीवन अब यही करेंगे, पूरा जीवन यही करेंगे, पूरा जीवन मधुबनी पेंटिंग को समर्पित कर दिया है आपने, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये मधुबनी पेंटिंग धरोहर नहीं बल्कि उनके जीवन का एक अंश हो सके, जिसको लेकर के वो रोज रोज चलते हैं। एक जगह मैंने एक गमले में देखा था, उस पर बहुत खूबसूरत से मधुबनी पेंटिंग बनी हुई थी और वो गमला एकदम दरवाजे पर रखा हुआ था और आने जाने वाला हर व्यक्ति उस गमले को एक बार जरूर देखता था, तो ये आकर्षण है मधुबनी पेंटिंग का। बच्चों को आप सिखाती हैं, आपने बताया था कि आपका एक बेटा भी है, क्या उसे भी उतना ही इंटरेस्ट है मधुबनी पेंटिंग में जितना आपका है? हाँ, क्योंकि उसको तो पढ़ाई भी रहता है, लेकिन वो भी करता है, अभी उसको स्कॉलरशिप CCRT की तरफ से भी चयन किया गया है, वो खुद ही बनाया था क्रिकेट पे। अच्छा, क्रिकेट पे? हाँ, क्या बात है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है? नहीं, क्योंकि वो थीम दिए थे बनाने के लिए कि कोई ऐतिहासिक, जैसे कोई खेल पे बनाए या तो वो क्रिकेट पे ही बनाया था, उसको क्रिकेट बहुत पसंद है। माँ दुर्गा की जो फोटो है या तस्वीर है मधुबनी पेंटिंग में मिले, या जो नवरात्र कहते हैं कि दशहरा, माँ दुर्गा जो 10 दिनों तक जो युद्ध चला था
कहते हैं कि उस थीम पे भी उनको पेंटिंग मिल जाए, जैसे महिषासुर वध का उनको पेंटिंग मिल जाए, इस तरीके की उनका उनके डिमांड्स होते हैं कि उनको वैसे पेंटिंग मिले। तो क्या आपने बनाए हैं पेंटिंग्स ऐसे जो इस थीम के ऊपर हों, दशहरा के ऊपर? दशहरा, अभी जो दशहरा मेला लगा ज्ञान भवन में, अभी इसीलिए दुर्गा माँ जैसे शक्ति के प्रतीक है, वैसे नारी भी शक्ति के प्रतीक है, तो इसी के चलते वहाँ पे लगता है हर साल महिला विकास निगम की तरफ। तो उसमें दुर्गा माँ का बहुत अभी डिमांड है, जो भी आते हैं बोलते हैं कि दुर्गा माँ का है आपके पास, तो है तो दे देते हैं, और अभी भी एक फोटो है पास। अरे वाह, ये तो लगता है शायद आज के अखबार में जो प्रकाशित की गई वो तस्वीर आप हमें दिखा रही हैं। तो ये आज के अखबार में प्रकाशित है ये तस्वीर, और बहुत ही खूबसूरत लग रही है, जहाँ देवी जो है ये 10 दिन मतलब 9 दिन का रूप है, ये नौ, अच्छा 9 देवियों का रूप है, और वो शेर की सवारी कर रही हैं। ये 9वां दिन का दुर्गा माँ का रूप, अच्छा 9वें दिन की दुर्गा माँ है। तो ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, आपने बहुत खूबसूरत बनाई है, और इतने अच्छे से आपने रंगों का इस्तेमाल किया है इसमें, काबिले तारीफ। और शायद इसीलिए आपकी पेंटिंग्स के सभी कहते हैं दीवाने, और सब आपकी पेंटिंग्स आपके स्टॉल तक आकर्षित होकर चले आते हैं। आगे की आपने परियोजनाएं बताई आपकी, आपने कि आपको भी बहुत लंबा सफ़र तय करना है, क्योंकि पुरस्कार मिलने के बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाएगी कि आप लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतर सकें। आगे चलकर जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां आप हासिल करेंगी निश्चित तौर पर, क्योंकि जिस हिसाब से आप काम कर रही हैं वो काबिले तारीफ है। लेकिन अगर हम अभी के परिप्रेक्ष्य की बात करें, अभी के समय की बात करें, ऑनलाइन मधुबनी पेंटिंग के जितने सामान हैं वो ऑनलाइन भी आपको उपलब्ध हो जा रहे हैं। बिहार सरकार तो लगातार प्रयास कर ही रही है, भारत सरकार भी लगातार इस तरीके के उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। आप क्या ऑनलाइन भी आपने आपके जो पेंटिंग्स हैं उसे ऑनलाइन भी आप बेचती हैं, या ऑनलाइन आप मिल जाएंगे आपके पेंटिंग्स उपलब्ध हैं? अभी ऑनलाइन नहीं किए हैं, वो ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि अभी जगह जगह एग्जीबिशन, अभी हैदराबाद गए थे, फिर दिल्ली, ये सब में जाते हैं, तो ऑनलाइन अभी नहीं किए। अच्छा, किस किस राज्य में आप गई हैं अपनी प्रदर्शनी को लेकर? आपने हैदराबाद और दिल्ली का जिक्र किया, इसके अलावा? उज्जैन, भोपाल, और उज्जैन भोपाल गए, और दिल्ली गए, और हैदराबाद, और मेरे पति वो गए हैं 2 बार मॉरीशस और 1 बार थाईलैंड। अच्छा, मॉरीशस और थाईलैंड तक की जो यात्रा है पूरी की है आप लोगों ने, ताकि आप मधुबनी पेंटिंग को जगह जगह स्थापित कर सकें। दिल्ली में तो फिर भी बहुत हद तक बिहार के लोग हैं और वहाँ के लोग मधुबनी पेंटिंग को जानते हैं। हैदराबाद, संस्कृतियाँ अलग अलग हैं, बिहार की संस्कृति अलग है, हैदराबाद की संस्कृति अलग है, वहाँ का अपना एक खान पान है, अपनी लोक कला है। जब वहाँ मधुबनी पेंटिंग आपने लोगों को दिखाई, जब लोग देखने आए मधुबनी पेंटिंग, क्या कह रहे थे वो? हाँ, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, कि भाषा में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बहुत वो पेंटिंग लोगों को बहुत पसंद आता था, लोग खरीदते भी बहुत थे, तो बहुत है। आपने कहानी बताई कि ये मधुबनी पेंटिंग जो है वो राम और सीता के विवाह से शुरू होकर अब तक लगातार चलती आ रही है। हाँ, कितना तो बोल रही थी कि ऑनलाइन मैम सिखाएंगी, तो हम ऑनलाइन भी ऐसे ऑनलाइन भी हम सिखाते हैं, तो वो सब भी था, बहुत मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। अच्छा, तो ये जो सिखाने की बात है, तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ होता है मधुबनी पेंटिंग में, वो क्या ध्यान देने की बात है? सबसे पहले तो मधुबनी पेंटिंग में बॉर्डर होता है, लाइन बनाना पहले सिखाते हैं, क्योंकि डबल लाइन का होना बहुत ज़रूरी होता है। कलर में जैसे कि कुछ कलर का होना एकदम ज़रूरी है, कोरिया, कचनी, ये सब का बहुत ज़रूरी है, बेसिक जानकारी। फिर इतिहास बताते हैं कि कहाँ की आर्ट है ये, पहले कहाँ होता था, किस पे होता था। जैसे पहले हम लोग दीवार पे करते थे, तो अब दीवार पे, अब कपड़े पे आ गए, तो कपड़े कागज़ पे भी हम लोग दीवार के कलर के लिए उस पे गोबर
से पहले गोबर से लेप लगाते हैं तो ऐसा ही दीवार के कलर हो जाता है। तो सब सब बताते हैं सिखाने के पर सब। ये तो फ्री हैंड ड्राइंग है, इसमें हम किसी औजार का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये फ्री हैंड ड्राइंग। तो क्या हाथों को साधना जरूरी होता है मधुबनी पेंटिंग में? क्योंकि अगर आप बॉर्डर के भीतर लाइन बना रही हैं तो आपका हाथ यहाँ से यहाँ बंध जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाएगा तो फिर आपकी तस्वीर खराब हो जाएगी जो आप पेंटिंग बना रही हैं। हाँ, तो वो थोड़ा ध्यान में रख के करना पड़ता है, फिर करते। और ये हाथ का काम है ना, तो थोड़ा टेढ़ा भी हो गया तो उसके लिए, तो क्योंकि ये तो हाथ से बना रहे हैं, मशीन से तो बना नहीं रहे हैं, तो उसके लिए नहीं है। चलिए, पेंटिंग बाकी जो चीज़ें हैं उनकी डिमांड तो बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लेकिन मधुबनी पेंटिंग के जो कपड़े हैं जैसे दुपट्टा, साड़ी, धोती, कुर्ता, इसकी भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अमूमन अगर देखें मधुबनी पेंटिंग, जिस कपड़े पे साड़ी के ऊपर पेंटिंग बनाई जाती है वो बहुत महंगा काम होता है, बहुत बारीक और बहुत मेहनत लगता है। कितना समय लग जाता है एक साड़ी को पूरा बनाने में? साड़ी को पूरा बनाने में तो 15 से 20 दिन, 20-25 दिन लग जाता है, क्योंकि वो काफ़ी लंबा होता है, तो उसमें बॉर्डर बनाओ, फिर बीच में, फिर आँचल, तो टाइम लगता है। बहुत महीन काम है, बहुत मेहनत करती हैं। आपको आपके आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नेशनल अवार्ड में आपका चयन हुआ है, बहुत बहुत बधाई। आप ऐसे ही तरक्की करते रहिए और हमारे बिहार का नाम लगातार रोशन करते रहिए और लोगों को सिखाते रहिए, बताते रहिए कि मधुबनी पेंटिंग जो है हमारे बिहार की पहचान है। हमारे स्टूडियो में आप आई और इतनी अच्छी बातचीत के लिए हम तो यही कहते हैं सरकार से कि इसमें एक कॉलेज स्कूल इसमें होना चाहिए, ताकि बच्चों में जानकारी हो, आगे चल के फिर ये मिटे नहीं, ये चलता ही रहे, बढ़ता ही रहे। एक कलाकार से, कलाकार के दिल से निकली हुई आवाज़ है कि जो है सरकारें इसमें लगातार प्रयासरत रहें कि स्कूल्स और कॉलेजेस में भी बच्चों को मधुबनी पेंटिंग सिखाई जाए, ताकि हमारी ये जो लोक परंपरा है वो लगातार ऐसे ही चलती रहे। आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत आभार। तो ये थी हमारी आज की मेहमान, जिन्होंने हमें बताया कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो सिर्फ और सिर्फ पेंटिंग नहीं है, बल्कि आपके अंदर की भावना है जिसे आप कागज़ पर उतारती हैं, दीवारों पर उतारती हैं, अलग अलग चीज़ों पर आप उतारने की कोशिश करते हैं। आपके बिहार की आन बान और शान है मधुबनी पेंटिंग। तो आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन दर्शकों आप तो जानते हैं ना कि हम आपको अपना पता ज़रूर बताते हैं, ताकि ये जो पत्रों का व्यवहार है वो लगातार बना रहे। तो आप फटाफट से हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना, 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director@dd.ke.patna@gmail.com।